तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस फ्रेश वीडियो में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस फ्रेश वीडियो में हम हमारे पल्सर NS200 में इंस्टॉल करने वाले इरिडियम स्पार्क प्लग्स, जिससे कि हमारा NS200 की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ये स्पार्क प्लग्स मैंने लिया है NGK के एंड अमेजन से मैंने परचेस किया था। ये जो है आपकी बाइक की जो है परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगा, जैसे कि आपका माइलेज हो गया उसको भी ज़रा सा इंप्रूव कर देगा एंड पावर का जो है वो भी ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। तो सबसे पहले तो हम इनको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है एंड इसका प्राइसिंग भी देख लेते हैं। तीनों जो प्रोडक्ट है वो मैंने अमेजोन से बाय किया है। आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। ये जो हमारा मदर स्पार्क प्लग हो गया ये आपको मिलता है 336 का एंड बाकी जो दो साइड में लगने वाले उसका भी आपको कुछ प्राइसिंग मिल जाता है 688 का। अगर आप नॉर्मल स्पार्क प्लग से इनको कंपेयर करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 80-100 रुपीज़ के अराउंड में, लेकिन ये जो है थोड़े प्रीमियम स्पार्क प्लग्स है इसलिए ये कॉस्टली आते हैं। इनको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कितना प्रीमियम लुकिंग है एंड नॉर्मल जो स्पार्क प्लग्स होते हैं वो कॉपर के बनते हैं नॉर्मली, बट ये बन गया आपका इरिडियम से, जो कि नॉर्मल स्पार्क प्लग के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस देगा आपके बाइक को। अगर आपके पास NS200 जैसे परफॉर्मेंस बाइक है तो आप ज़रूर से इन स्पार्क प्लग्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो मॉडल नंबर है ये आता है NS200 के लिए। अगर आपको आप और भी किसी और बाइक के लिए चाहिए तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये दो तीन कंपनियां बनाती है इरिडियम स्पार्क प्लग्स, आपको आपके बाइक के लिए ज़रूर से मिल जाएगा। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे हमको इंस्टॉल करना है। तो आपको चले जाना है बाइक के साइड पे, जहाँ पे आपको ऐसा कुछ प्लग मिल जाएगा और इस पर आपका पहला स्पार्क प्लग लगेगा। इसको आप जैसे ही पुल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पहला स्पार्क प्लग, वहाँ पर आपको चेंज करना है एंड बाकी जो दो स्पार्क प्लग हो गया उसके लिए आपको जाना है दूसरे साइड पे। और यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए हमारा जो दूसरा ट्यूटोरियल चैनल हो गया उसका ब्रांडिंग, जो मेन चैनल है वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं फिलहाल अभी स्पार्क प्लग्स। तो ये हो गया हमारा दूसरा जो साइड का स्पार्क प्लग है, ये लग जाएगा आपका इधर, और जो तीसरा स्पार्क प्लग हो गया वो लग जाएगा आपका अंदर, जो आप देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इनको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है, तो हम चलते हैं मैकेनिक के पास एंड इसको इंस्टॉल वहीं से करवाते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्पार्क प्लग को इंस्टॉल करके इसको चेक करने के लिए कि कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो जैसे कि मैं इनिशियली चेक कर पा रहा हूँ कि इंजन जो है थोड़ा स्मूथ हो चुका है, ठीक है। पावर में मुझे इतना कुछ डिफरेंस अभी तो पता नहीं चल रहा है, वो पुल करने के बाद पता चलेगा। और माइलेज का भी अभी कैसे पता चलेगा वो तो दो तीन दिन बाद ही मैं अगले वीडियो में बता पाऊँगा। फिलहाल के लिए वाइब्रेशन बहुत ही कम चल रहा है एंड अभी थोड़ा पुल करते हैं और टॉप एंड देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो जैसा कि मैंने थोड़ा चेक किया तो 100 तक ये बहुत ही आसानी से पहुंच रहा है एंड बिना कोई वाइब्रेशन के। पहले अगर मैं ऐसे 100 की स्पीड पे जाता था एंड RPM इससे ज़्यादा तक जाता था तो पूरा बाइक वाइब्रेट करने लगता था, लेकिन अब ये पूरा स्मूथ हो चुका है। और माइलेज का जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं एंड जो पुराना स्पार्क प्लग होगा वो भी आपको साइड पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज का यहीं पर एंड करते हैं।